और वो कहते हैं कि नीरज साहब ने एक पंक्ति लिखी थी कि पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके से कोई काम बता दूं तुमको। तो नाम तो आप जान ही गए हैं, जयती, और मैं FM गोल्ड पर हूँ, 100.1 मेगाहर्ट्ज, एवरी सैटरडे नाइट। आज रात 12 से 3 आप मेरा शो सुन सकते हैं, रात के हम सफ़र, आज भी हमारा शो है एवरी सैटरडे नाइट। एंड अपार्ट फ्रॉम रेडियो जॉब आई एम कॉरपोरेट लॉयर ऑल्सो। और लिखना कब से शुरू किया था ये याद नहीं है, और इससे हमारा नाता बहुत पुराना है। बस अब मोहब्बत की बातें बहुत हो रही थी कि लिखने की शुरुआत मोहब्बत से हुई थी, तो एक दोस्त ने एक बार कहा था एक कार्यक्रम के दौरान कि मैंने सहेज रखे हैं अपनी हर प्रेमिका के हर प्रेम पत्र को, ताकि आने वाली नस्लों को दिखा सकूं कि कभी प्रेम पत्र हुआ करते थे। और मोहब्बत की बात अगर चली है तो कहेंगे कि वो लिखकर खूब शर्माया हमारा नाम उर्दू में, वो लिखकर खूब शर्माया हमारा नाम उर्दू में, मोहब्बत कर रही थी काम चुपके चुपके उर्दू में, वो लिखकर खूब शर्माया हमारा नाम उर्दू में। कहानियाँ कैसे जन्म लेती हैं, कहानी कहानी नहीं होती, कहानी को कहानी की तरह से मत देखिए, कहानी तो संवाद होती है जो चलते चलते जन्म ले लेती है। अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जीवन ही एक कहानी है। बासब 25 जून को तुम्हारा शहर मेरा ससुराल बन गया, ये भी एक कहानी है। और जीन्स और टी शर्ट में घूमने वाली लड़की को इतनी चूड़ियाँ पहनने दी जाएं, पैर में बिछुआ पहना दिया जाए और कहा जाए कि अभी तो इसको उतारना नहीं है, तो ये भी अपने आप में कहानी है। बनारस मेरा ससुराल है, और बनारस के बारे में मैं बहुत पहले कहती थी कि मैं इश्क लिखूँ तो तुम बनारस समझना, और मुझे बनारस भोलेनाथ ने पहुंचा लिया। और अब वो बनारस, हालांकि मेरी शादी कोई इश्क वाली शादी नहीं थी, टोटली अरेंज मैरिज, पर मैं लिखती बहुत पहले से थी। आपने मेरे फेसबुक पेज पर बात सब पढ़ा होगा कि मैं हर बार लिखती थी कि मैं इश्क लिखूं तो तुम बनारस समझना, और मैं धड़कन लिखूं तो तुम बनारस समझना। चलिए कहानियों की बात करते हैं। परिवार में मेरी पहचान जो है एक बहुत ही बातूनी लड़की की तरह से है, क्योंकि रेडियो पर बोलती हूँ तो इसलिए सब कहते हैं कि मैं बहुत बातूनी हूँ, और माइक्रोफोन के साथ नाता शायद बचपन से ही जुड़ गया था। हुआ यूँ कि एक बार किसी से मुलाकात हो गई, ये कहानी नहीं है, ये अभी कहानी से पहले की भूमिका है बासब, कहानियाँ रेडियो जॉकी इतनी जल्दी कैसे सुना देंगे। हुआ यूँ कि एक बार यूँ ही किसी से हमारी मुलाकात हो गई, चलते चलते उन्होंने पूछा, अच्छा सुनो गाती हो क्या? मैंने कहा नहीं गाती नहीं, गुनगुनाती हूँ, स्वांग रचाती हूँ। तो उसने कहा अच्छा गाती नहीं हूँ स्वांग रचाती हूँ। तो उसने कहा अच्छा चलो कुछ गुनगुना दो या फिर स्वांग ही रचा दो। मैंने कहा अच्छा गुनगुना दो या स्वांग रचा दो। तो सुनो गीत मेरा सुनकर के तेरा अंतस गीला हो जाएगा, गीत मेरा सुनकर के तेरा अंतस गीला हो जाएगा, और स्वांग अगर धर लो कोई तो मानस आज मचल जाएगा। अच्छा सुनो उसने कहा अच्छा सुनो तुम मानस को आज मचल जाने दो, इसको आज बहक जाने दो। मैंने कहा ओह मानस गर जो मचल गया तो, मानस गर जो मचल गया तो, थोड़ा भी जो बहक गया तो, आतप अंधर चल जाएंगे, आतप अंधर चल जाएंगे, कितने किस्से गढ़ जाएंगे। मानस गर जो मचल गया जो, और थोड़ा भी जो बहक गया तो, आतप अंधर चल जाएंगे, कितने किस्से गढ़ जाएंगे। संतापों के तीर नुकीले क्या तुम इनको सह पाओगे, दावानल की अग्निकुंड में बोलो क्या तुम जल पाओगे, साथ हमारे चल पाओगे, बोलो क्या ये सब तुम कर पाओगे, बोलो क्या तुम ये सब कर पाओगे। ओह गीत अगर गाने से, गीत अगर गाने से देखो, आतप अंधर चल जाते हैं, तीर नुकीले चल जाते हैं, या दावा नल की अग्निकुंड में मन के पंछे जल जाते हैं। तो सुनो ना कोई तुम गीत सुनाओ,
ना ही कोई स्वांग रचाओ, ना कोई तुम गीत सुनाओ, ना ही कोई स्वांग रचाओ, मैं चलता हूँ राह को अपने, तुम भी अपने घर को जाओ। भाई साहब, किसी ने प्रेम से कहा कि एक गीत सुना दो, और एक गीत सुनाने पर अगर इतनी बातें हो जाएं कि तीर नुकीले चलने लग जाएं, व्यंग बाण चलने लग जाएं और दुनिया के आतप अंदर मच जाएं, तो ऐसे गीत कौन सुनेगा। चलिए अपनी कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी मैंने तब लिखी थी जब मैं क्लास 9th में थी। ये कहानी मैंने रेडियो के लिए लिखी थी, और मेरी ये कहानी रेडियो नाटक के रूप में ब्रॉडकास्ट हुई थी। उसको मैं सुनाती हूँ आपको। कहानी जो है इसका नाम है अंतिम सफ़र। इस कहानी में बीच बीच में आपको कुछ पंक्तियाँ मिलेंगी जो कि मेरी खुद की लिखी हुई हैं, पर उन पंक्तियों को सुनाने से पहले आपको एक छोटी सी रचना भी सुना देती हूँ, ताकि आप सब जो है थोड़ा इधर उधर भी देख रहे हैं, आप बंध जाएं मेरी कहानी के साथ में। होता यूँ है कि हम अक्सर शिकायत कर बैठते हैं लोगों के बदल जाने की, दुनिया के रीति रिवाजों पर लोगों के परवाह ना करने की। तो इस पर मैंने एक पंक्ति लिखी थी, ऐसे ही मेट्रो में चलते फिरते मैंने भी लिखा था कि फितरते मौसम है बदल जाना तो बदल जाते हैं, फितरते मौसम है बदल जाना तो बदल जाते हैं, लोग जाने को भी अनजान समझ के गुजर जाते हैं। फितरते मौसम है बदल जाना तो बदल जाते हैं, लोग जाने को भी अनजान समझ के गुजर जाते हैं। तुझे तकलीफ किस बात की है ये तो बता मुझको, तुझे तकलीफ किस बात की है ये तो बता मुझको, मौसम के बदल जाने से या इंसान के गुजर जाने से। मौसम हो या कि इंसान, मौसम हो या कि इंसान, इक राह के राही दो। मौसम हो या कि इंसान, इक राह के राही दो, फितरत है बदल जाना तो बदल जाते हैं। राह भटको तो कभी गुलशन की तरफ गुजरो, राह भटको तो कभी गुलशन की तरफ गुजरो, बिखरे हुए पत्तों से कभी माली की खबर पूछो। राह भटको तो कभी गुलशन की तरफ गुजरो, बिखरे हुए पत्तों से कभी माली की खबर पूछो। बिखरे हुए पत्तों पर माली कब रोता है, बिखरे हुए पत्तों पर माली कब रोता है, पत्तों की बिछा चादर आराम से सोता है। गर चाहो सुकून थोड़ी तो इतनी ही समझ रखना, गर चाहो सुकून थोड़ी तो इतनी ही समझ रखना, मौसम के बदलने से ना कोई गिला रखना। मौसम हो या कि इंसान, एक बार फिर कहूंगी, मौसम हो या कि इंसान, एक राह के राही दो, फितरत है बदल जाना तो बदल जाते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी कहानी अंतिम सफर। अंतिम सफर ये कहानी जो है ये मिर्ज़ापुर की कहानी है। मिर्ज़ापुर किसी ज़माने में तवायफ़ों के लिए बड़ा मशहूर हुआ करता था, बहुत बहुत मशहूर था ये शहर मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में ठाकुरों की बड़ी हवेली हुआ करती थी। आज भी आप अगर मिर्ज़ापुर से गुजरेंगे तो हवेलियों के निशान आपको मिल जाएंगे। क्यों बासर, बनारस से लगा हुआ शहर है मिर्ज़ापुर। तो उसी शहर में एक तेज प्रताप सिंह की एक हवेली हुआ करती थी। तेज प्रताप सिंह वहाँ के ठाकुर के बेटे थे। ठाकुरों की बड़ी पुरानी परंपरा रही है। बुंदेलखंड में एक कहावत कही जाती है कि जाकी बिटिया देखी प्यारी, तापड़ धई दही कटारी। जहाँ उन बिटिया प्यारी दिखती थी वहाँ कटारी रख दी जाती थी। ये बुंदेलखंड की बहुत फेमस कहावत है, जाकी बिटिया देखी प्यारी, तापड़ धई दही कटारी। तो वैसे ही ठाकुरों की बड़ी पुरानी परंपरा थी, लेकिन तेज प्रताप सिंह अपनी ठाकुरी परंपरा से जरा हटकर हुआ करते थे। उसी शहर में सुनहरी बाई का एक कोठा हुआ करता था। सुनहरी बाई अपने अंदाज के लिए जानी जाती थी, और ठाकुर साहब के जो चक्कर लगते थे वो सुनहरी बाई के नाच गाने के लिए नहीं लगते थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, ठाकुर साहब वहाँ जाया करते थे क्योंकि सुनहरी बाई हर बार एक नए अंदाज में उनका स्वागत किया करती थी। उस दिन भी ठाकुर साहब वहां पहुंच गए। बात कुछ यूं हुई थी कि घर वालों को यह खबर लग गई थी कि ठाकुर साहब का आना जाना सुनहरी बाई के कोठे पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। घर वालों ने यह निर्णय लिया कि ठाकुर साहब को थोड़ी ऊंची पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश भेज दिया जाए। तैयारियां घर में चलने लग गई,
और ठाकुर साहब को इसकी भनक भी नहीं थी। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छुपाए नहीं छुपती मोहब्बत की कहानी की तरह से, जैसे बहुत सारी मोहब्बत की कहानियां हमारे कानों तक भी आज पहुंची गई इस कला मंथन के सहयोग से। वैसे ही ठाकुर साहब की भी कानों तक ये बात पहुंच गई कि उन्हें विदेश भेजने की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। ठाकुर साहब बेचारे मन मार कर पहुँच गए सुनहरी बाई के पास में, जो शायद उनकी पहली मोहब्बत भी थी। वहाँ पहुँचते ही दरवाजे पर एक थपकी दी उन्होंने, दरवाज़ा खुला। हर बार की तरह सुनहरी बाई दरवाजे पर अपने उसी अंदाज के साथ कहती हैं कि माना हुजूर आप यहाँ आ ही गए हो जब, माना हुजूर आप यहाँ आ ही गए हो जब, गुलशन यही सजा दू या हाजिर मैं जान कर दूँ, माना हुजूर आप यहाँ आ ही गए हो जब, गुलशन यही सजा दू या हाजिर मैं जान कर दूँ, हमसे है रूबरू तुम्हारे दिल की दास्तान, हमसे है रूबरू तुम्हारे दिल की दास्तान, दो पल जरा ठहरो यही सदके उतारो। और ठाकुर साहब किसी अंदाज पर मर मिटे थे, अपनी पहली मोहब्बत के पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सुनहरी बाई को ये बताएं कि घर में उनके जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खैर वो अंदर गए, जाकर के बैठे, विचारों का आदान प्रदान हुआ, प्यार की कुछ बातें हुई। उसके बाद ठाकुर साहब ने ये दिल तोड़ने वाली बात भी कह डाली। सुनहरी बाई ने बड़े प्यार से उन्हें विदा किया। ठाकुर साहब ने मिर्ज़ापुर से ट्रेन पकड़ी और दिल्ली पहुंच गए, यहाँ से फ्लाइट पकड़ी और अमेरिका पहुंच गए। काफ़ी साल बीत गए, वहाँ जाकर ठाकुर साहब टूटे हुए दिल के साथ अमेरिका पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ पढ़ाई लिखाई की, बिजनेस किया और वहीं सेटल हो गए। कुछ समय बाद पता चला कि उनकी शादी भी वहाँ हो गई। पर कहते हैं कि ज़िंदगी अलग अलग मकाम से होकर गुजरती है, अलग अलग पड़ाव पर आकर रुकती है। ठीक वैसे ही ठाकुर साहब की भी ज़िंदगी चलते चलते बहुत सारे मकामों से होकर गुजरते हुए जब एक पड़ाव पर ठहरी तो उन्हें होश आया और पता चला कि बहुत कुछ हाथ से गुजर चुका है, बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी हैं। मिर्ज़ापुर के वो रिश्ते भी छूट चुके हैं जिन्हें वो बहुत सालों पहले पीछे छोड़ आए थे। जाने कब की कहाँ सब गुम हो चुके थे, ज़िंदगी बहुत आगे निकल चुकी थी और ठाकुर साहब का बिजनेस भी डावाडोल हो चुका था। साथ देने वाला साथी भी साथ देने को तैयार नहीं था, जिसका हाथ थामकर वो इतने सालों से चल रहे थे। फिर सोचा क्यों ना अपने शहर चले, वापस चल पड़े। फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली पहुंचे, ट्रेन पकड़ा और चल पड़े अपने शहर की तरफ। ट्रेन अपने रफ्तार से भागती चली जा रही थी और ठाकुर साहब आंखें बंद किए जाने किस दुनिया में गुम थे। अचानक एक झटका सा लगा, नींद खुली तो पता चला कि ट्रेन मिर्ज़ापुर स्टेशन पर खड़ी है। देखा तो अचानक याद आया, अरे ये तो हमारा शहर है। बस उतर पड़े और थके हुए कदमों से बढ़ चले पसरहट्टा बाजार की तरफ। पसरहट्टा बाजार में जाकर कदम शायद वहीं रुक गए, अरे हाँ ये तो रामू काका की दुकान है, पान की दुकान। जाकर खड़े हुए, एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी, आ गए बबुआ, बड़े दिन लगा दिए वापस आने में, कहाँ रहे इतने दिन, पहचान लिए काका तुम हमको। अरे बाबू तुम हमका भुलाई जाओ, लेकिन हमरे पान का स्वाद तो अब हूं तुम्हारे मुंह में घुलल हुई, कैसे भुलाए गए हमको। बचवा हम तो के इतने छोटे से देखत हैं, इतना जल्दी कैसे भुलाई जाए, पान खाइबा। हाँ काका खिलाई दो, बड़े दिन हो गए, वो मीठा वाला पान अच्छा बनावत है। पान खाते खाते मन उसी पसरहट्टा बाजार में घूमने लगा। तभी फिर से रामू काका की आवाज सुनाई दी, उनसे नहीं मिलोगे बबुआ, जिनके दुआरी जायत रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, सोचने लगा, अरे रामू काका को तो सब याद है। थके हुए कदम अपने आप फिर से उसी दरवाजे की तरफ चल पड़े, फिर से वही पुरानी थपकी और फिर उसी अंदाज में दरवाजा खुला। आप वही हैं ना, मैंने कहा। कौन? आप वही हैं ना,
जिनका इंतजार इस दरवाजे को वर्षों से था। आंख उठाकर देखा तो एक बड़ी प्यारी सी लड़की खड़ी थी, बहुत खूबसूरत सी लड़की। उसने झट से हाथ को थामा और अंदर लेकर चली गई। देखा तो सुनहरी बाई बहुत ही कमजोर अवस्था में एक खाट पर पड़ी थी। चुपचाप जाकर वहीं खड़ा हो गया, आंखों में आंसू झील मिला रहे थे। जाने किस इंतजार में यहां आया और क्या मिला, पर लब कुछ कहने को बेताब थे सो कह पड़े, आज कुछ नहीं कहोगी, इतने सालों बाद लौटकर तुम्हारे पास आया। बड़ी थकी सी आवाज, कमजोर सी आवाज, पर सुनहरी बाई कैसे भूल जाती कि पहली मोहब्बत फिर से उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि गुलशन में जाकर कहीं माली भटक गया, गुलशन में जाकर कहीं माली भटक गया, ताजुब हुआ मुझे कि जब वो वापस भी आ गया। गुलशन में जाकर कहीं माली भटक गया, ताजुब हुआ मुझे कि जब वो वापस भी आ गया। अफसोस की वो वक्त भी निकला जुदाई का, अफसोस की वो वक्त भी निकला जुदाई का, उम्रें तमाम बीत गई, सफर अंतिम भी आ गया, सफर अंतिम भी आ गया। इतना कहकर मन का वो पंछी अपने अंतिम सफर पर निकल गया। थैंक यू।